लड़की कल तक इस घर की बेटी थी, कल से वो दूसरे घर की बहू कहलाएगी। लेकिन बेटी तो आप ही की कहलाऊंगी ना माँ। काम्या और उसके घर वालों को ये बात पता चलनी चाहिए कि वे श्वेता की शादी जहाँ तय कर रहे हैं, वहाँ विलास जैसा खतरनाक मुजरिम रहता है। हमारे पास इस बात का पुख्ता सबूत है। अनिकेत के ऊपर गोली चलाने वाले यही थे। मेरे पास इनकी गिरफ्तारी का वारंट है। यू आर अंडर अरेस्ट, गिरफ्तार करो। कुछ खास बात है क्या? पत्नी जब इतने प्यार से अपने पति के गले में बाहें डाले तो पति को समझ लेना चाहिए कि कोई वो ऐसी बात है जो पत्नी अपने पति से मनवाना चाहती है, जो पति मानना नहीं चाहता है। Am I right? आजकल के हस्बैंड बड़े स्मार्ट हो गए हैं, है ना? खैर छोड़ो, नाश्ता कर लो, ठंडा। नाश्ता बाद में कर लेंगे, पहले आपकी वो बात तो सुन ले जो आप कहना चाहते हैं मुझसे। मेरा आज घर में मन नहीं लग रहा, मैंने सोचा कि कहीं बाहर चलो, किसी खास जगह। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, हम लोग कहीं घूमने जा सकते हैं। चलो कहाँ चलना है बोलो। ऐसी जगह जहाँ पर मैं खूब सज धज सकूँ। जब से घर पर आई हूँ सजने संवरने का मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी कोई घर पर रहकर कितना सज सकता है। मैं समझ सकता हूँ अच्छे बारे। एक काम करते हैं, अगले महीने मेरे एक दोस्त की शादी है, क्यों ना वहीं चलते हैं। वहां तुम्हें जितना सजना है, जितना संवरना है संवर लेना। विकास, दोस्तों और रिश्तेदारों में फर्क होता है। जो इज्जत हमें अपने देंगे वो पराये से तो नहीं मिल सकती। शिवानी प्लीज प्लीज मुझे इस बात के लिए मजबूर मत करो प्लीज। देखो विकास, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही, लेकिन ये कुछ खास मौके होते हैं जो हमें उम्र भर याद रहते हैं, और इस दिन को हम कभी भुला नहीं सकते। ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर आपको अफसोस हो कि काश हमें श्वेता दीदी की शादी में शामिल होना चाहिए था।
वो भी हमारा इंतजार कर रही होंगी ना। शिवानी मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ठीक है विकास, आप कोई रिश्ता मत रखिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि आज हमें श्वेता दीदी की शादी में जरूर जाना चाहिए। शिवानी अगर हम लोग वहां गए ना तो वो लोग ये समझेंगे कि हम उनसे फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। समझ गई तुम? कुल की ज्योति कन्या। अब क्या करें माँ? अब ये नई मुसीबत कहां से आ गई? ना जाने इंस्पेक्टर को क्या सबूत मिला होगा और ना जाने क्या बात हुई है वहां पे। सब कुछ आज ही होना था। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और ये सब। इसीलिए तो पूछ रही हूं मां कि अब क्या करना है, कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। अब तो एक ही रास्ता है मां, इस शादी को रद्द कर देते हैं। वैसे भी मामा की गिरफ्तारी की बात छुपने वाली नहीं है। और ये बात अनिकेत से जुड़ी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें मंडप से वापस लौटना पड़े। बेहतर है कि हम ही शादी से मना करें। बहू, ओ बहू, घर में आग भी लगी हो तो इसे कुछ पता नहीं चलेगा। जी माँ जी। घर में क्या हुआ है कुछ पता है तुम्हें? जी, लेकिन आपने ही तो कहा था कि मैं सामने ना आऊं, मेरा चेहरा देखेंगे तो अपशकुन हो जाएगा। अब खड़े खड़े बहस ना करो, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, मेरा गला सूख रहा है। जी लेकर आती। भाभी ठीक तो कह रही है माँ, और इस बार तो हम उनका चेहरा देखे बिना निकले थे। फिर भी अपशगुन हो ही गया ना। फोन कीजिए और मना कर दीजिए। मैं इस शादी से इनकार नहीं करूंगी। ये शादी होगी और जरूर होगी। मां अच्छी तरह से सोच लीजिए एक बार। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, विलास तुम्हारा मामा है और उसके गिरफ्तार होने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। उसे छुड़ाने की कोशिश मैं करूंगी, लेकिन शादी जैसे होनी थी वैसे ही होगी। माँ सावित्री आंटी का फोन है, इंतजार कर रही होंगी। हेलो
नमस्ते माधवी जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ, आप लोग निकले नहीं अभी तक? वो एक्चुअली हमें कुछ खरीदारी करनी थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। हम बस निकल ही रहे हैं, वहां तो सारी तैयारियां हो गई है ना? जी हाँ, सारी तैयारियां हो गई। बस आप थोड़ा जल्दी आ जाइए। जी जी हाँ, हम लोग पहुंचते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तुम जाओ, अंदर जाओ। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग वहां पहुंचो, मुझे वकील से मिलना पड़ेगा, इसके लिए बात करनी है। पता नहीं पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करने के बाद उसके साथ कैसा सुलूक कर रहे हैं। कुल की ज्योति कन्या। कभी और उसका काउंट में इतनी बड़ी हेरा फेरी की है तुमने? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे साथ धोखा किया। क्या हुआ जी? पूछो अपने भाई से, मैंने इसे अपने साथ रखा और इसने मेरे साथ ही गद्दारी की। क्या कह रहे हैं आप? अरे सही कह रहा हूं मैं, पूरा 1,00,000 रुपए का घोटाला किया इसने। जीजा जी गलती हो गई। गलती? इसे गलती कहते हो तुम? गुनाह किया है तुमने, आज एक घोटाला सामने आया है। आज से पहले ना जाने कितनी बार तुमने मेरे विश्वास की पीठ पर छुरा भोंका होगा। नहीं जीजा जी, मैंने क्यों की जी? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। बच्चे की कसम खा कर कह सकता हूँ जीजा जी। बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी कोई कसम मुझे यकीन नहीं दिला सकती। ये तो कर रहा है कि पुलिस को बुलाकर तुम्हारे हाथों में अभी हथकड़ियां डलवा दूं मैं। पहली गलती है सर, माफ कर दीजिए प्लीज। तुम अंदर जाओ। मैंने कहा अंदर जाओ। बिजनेस और रिश्ते एक साथ नहीं चलते। बिजनेस में रिश्ते पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है मैंने। अरे जाओ। तुम यहां क्यों खड़े हो? आज के बाद इस चौखट पे कदम मत रखना। चलो निकलो। देखो मुझसे पहली बार गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। जीजा जी आगे ऐसा नहीं करूंगा मैं। ज्यादा नाटक करोगे पुलिस के हवाले कर दूंगा। जीजा जी चलो चलो, आगे ऐसा नहीं। अरे चलो निकलो यहाँ से, आज के बाद शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ वापस, इधर आना नहीं। तुम यहां कैसे? मजबूरी है,
इसलिए आया हूं। जीजी गए? वो तो हॉस्टल गई है बच्चों से मिलने। अगर तुम्हें उससे काम है तो 2 दिन के बाद आना। नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूँ जीजा जी। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं जीजा जी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और अभी इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। चले जाओ यहां से। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, मेरे बेटे की जान खतरे में है। उसे बचा लीजिए जीजा जी, मेरे बेटे की जान खतरे में। क्या? हाँ जीजा जी, मेरे बेटे की जान खतरे में है और डॉक्टर कहते हैं कि उसे इलाज के लिए विदेश ले जाना होगा। डॉक्टर का कहना है इसके इलाज में 8 लाख रुपए खर्च होंगे। जीजा जी, जीजा जी, बस मेरी मदद कर दीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं तुम्हारी फितरत को अच्छी तरह समझता हूँ कुंज। इतने दिन घर में बैठे रहे, कोई घोटाला नहीं कर सके, तो अब उसकी भरपाई करने आए हो। मुझसे 8 लाख रुपए निकलवाने आए हो। तुम क्या समझते हो मैं बेवकूफ हूँ? तुम मेरे सामने ये नाटक करोगे और मैं मान जाऊंगा? नहीं जीजा जी, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात का यकीन कीजिए जीजा जी, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मेरा बेटा मर जाएगा। जीजा जी, आप मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए जीजा जी। आप बकवास बंद करो और निकल जाओ यहां से। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा इस चौखट पे कदम मत रखना। मुझे पता है तुम जब भी आओगे कुछ ना कुछ नाटक जरूर करोगे। मैं तुम्हारे नासों से पिघलने वाला नहीं हूं। धोखे पास इंसान, चलो जाओ यहां से, जाओ। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए जीजा जी। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ जीजा जी। ऐसा मत कीजिए, मेरी बात का यकीन कीजिए जीजा जी, ऐसा मत कीजिए। और कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके, एक आप ही हैं जीजा जी जो मेरी मदद कर सकते हैं। जीजा जी, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन उससे पहले तो मैंने आपका बहुत साथ दिया ना जीजा जी, वो ही बात याद करके मेरी मदद कर दीजिए जीजा जी, प्लीज। मैं तुम्हारी बातों में हरगिज नहीं आने वाला। चलो निकलो यहां से। जीजा जी, ऐसा मत करिए। देखिए, मैं कह रहा हूं निकलो यहां से। आप मेरी मदद कर लीजिए, मेरे मेरे बेटे की जिंदगी खराब है जीजा जी। अरे जीजा जी, आप निकलो जीजा जी, वापस नहीं आना जीजा जी। अरे जीजा जी, जीजा जी मेरी मदद कर दीजिए जीजा जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरी मदद कर दीजिए जीजा जी। अरे अरे, पूरा टाइम तो सब क्या था जीजा जी, आज मेरा पूरा वक्त कर रहा है, तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे क्या जीजा जी? मदद कर दीजिए। अरे सबका वक्त दिया कैसा नहीं रहता जीजा जी, आज आपका अच्छा कल मेरा भी अच्छा होगा जीजा जी। अरे आज आप मेरे काम आइए, कल मैं भी आपके काम आ सकता हूँ जीजा जी, जीजा जी। कुल की ज्योति कन्या, तुम्हारी गिरफ्तारी ऐसी ही नहीं हुई, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने मुंह से सारा मामला बको। बताओ तुमने अनिकेत के ऊपर गोली क्यों चलाई? अगर मैं आपको सारी सच्चाई बता देता हूँ तो इसमें मेरा क्या फायदा? फायदे नुकसान को छोड़ो, तुम नहीं बताओगे तो हमें सब उगलवाना आता है। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें पहले से पता था तो तुम्हारी गिरफ्तारी होने वाली, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया है किसी के कहने पे। इस बात का मुझे भी अफसोस है, मैं खुद कानून का साथ देना चाहता हूं।
आप लोग मुझे सरकारी गवाह बना लेते हैं तो मैं आपको हर बात बताने के लिए तैयार हूँ। अनिकेत के घर में बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, उनके घर में किसी अपने का ही हाथ है। हमें मालूम है तुम कुंज बिहारी के बारे में बात कर रहे हो ना, और हमारे पास वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें तुम दोनों की बातचीत है। रिकॉर्डिंग से बहुत कुछ साबित नहीं हो सकता है। कुंज बिहारी बहुत ही चालाक आदमी है, बेहद ही शातिर किस्म का। अनिकेत के घर में रह के उन्हीं के घर को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया और उस पर किसी को शक भी नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हें सरकारी गवाह बना लें। मान लो कि हम ऐसा करें तो तुम हमें सारी सच्चाई बता दोगे? हाँ। क्योंकि मैं अब इस रास्ते पर चलना नहीं चाहता। मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। लालच में आकर मैंने जुर्म का रास्ता पकड़ लिया था, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, तुम कानून का साथ देना चाहते हो तो कानून भी तुम्हारे साथ रहम से पेश आए। बताओ, कुंज बिहारी के बारे में क्या जानते हो? सब कुछ बताओ। आप मुझसे एक एक करके सवाल पूछिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। अनिकेत के घर में जो कुछ भी साजिश रची जा रही है उसके पीछे कुंज बिहारी का हाथ है। आज तो आपकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है, आपको तो मुस्कुराना चाहिए। पता है, आपकी मुस्कुराहट को देखकर ना हम सबके चेहरे खिल उठते हैं। हाँ काम्या, कभी कभी दिल में खुशी रहने के बावजूद आंसू बहाने पड़ते हैं, पर कभी कभी दिल में गम हो तो भी मुस्कुराने की कोशिश करनी पड़ती है। दीदी आप इतना क्यों सोच रही हैं?